आगे की कार्रवाई के लिए रविंदर जी आपको बताएंगे। धन्यवाद। आज उनके जन्मदिन पर हम लोग सब इकट्ठे हुए। आज का दिन हम लोग सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जिन्होंने सुशासन की जो कार्य की अपने जीवन काल के अंदर, जो उनका अगर हम 13 दिन की सरकार देखें या 13 महीने की, या उनकी हम लोग 5 वर्ष की सरकार देखें, तो सुशासन के उन्होंने जो नए आयाम यहाँ पे रखे, और मेरे को लगता है कि इससे पहले सुशासन का नाम तक नहीं था इस देश के अंदर। जो 3 महत्वपूर्ण कार्य जो कार्य उन्होंने लोग जोटल जी ने किए, जिनके कारण हम कह सकते हैं कि सुशासन को मजबूत किया उन्होंने। पहला उन्होंने जो सबसे बड़ा कार्यक्रम किया, उन्होंने पोखरान का विस्फोट करके हमारे हिंदुस्तान को नई शक्ति प्रदान की, और पोखरान के साथ साथ जब हमारे ऊपर अमेरिका, रशिया जैसे बड़े बड़े दिग्गज जो देश थे, उन्होंने प्रतिबंध लगाए, उनसे जूझते हुए किस प्रकार से उन्होंने उस वक्त भी अपनी जो देश के नागरिक थे उनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं आने दिया, उनका आर्थिक स्थिति अपनी मजबूत रखी। दूसरा जो सबसे बड़ा उन्होंने कार्य किया इस देश के लिए, उन्होंने जो हमारे गांव के लोग थे, जहां पे हम कहते हैं कि बड़ा हिस्सा एक गांव में रहता है, उन गांव को देश के साथ जोड़ने के लिए जो उन्होंने मार्ग बनाए, जो उन्होंने सड़क योजना लाई, ग्राम सड़क योजना, इस गांव की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता था। अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत की हमारे हमारे, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे हमारे, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे। आज भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, आज जिनके जन्मदिन पर सुशासन दिवस के रूप में हम लोग 2014 से, जब माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आह्वान किया था कि इसको सुशासन दिवस के रूप में हम बनाएंगे, आज हर जगह पे पूरे देश भर के अंदर, विश्व भर के अंदर आज माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का हम जन्मदिन धूमधाम से मना रहे हैं। और इस सुशासन दिवस के अवसर पर जो उन्होंने कार्य किए, और लग 3 कार्य जो महत्वपूर्ण हम लोग याद करते हैं सुशासन के लिए, पहला करगिल पे विजय हासिल की, दूसरा उन्होंने पोखरान का विस्फोट किया, तीसरा उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान, और उसके साथ उन्होंने सड़क ग्राम योजना और वह जो राजमार्ग बन रहे हैं उनको धरातल पे लाया। ऐसे महापुरुष जिन्होंने कोशिश की कि अपने समय के अंदर NDA की जितने भी घटक थे उनको जोड़कर उन्होंने 13 दिन, उसके बाद 13 महीने और 5 वर्ष जो सरकार चलाई, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार थी। आज के दिन हम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो हमें जिम्मेदारी मिलती है और जिन जिम्मेदारियों को हम निभाते हुए हम लोग ये आज प्रण करें कि हम लोगों ने समाज के अंदर रहते हुए भ्रष्टाचार को दूर रखना है, उसके साथ साथ ऐसी जो पॉलिसी नीतियां लानी हैं जिससे हर गरीब का हम विकास कर सकें, हर गरीब को आगे ले जाकर जो सपना हम लोग लेकर चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, इस देश को आगे ले जाने का, राष्ट्रवाद को मजबूत करने का, तिरंगे का सम्मान करने का, और इस मूल मंत्र के साथ हम लोग सुशासन दिवस आज यहाँ पे सब ईस्ट मंडल, जो माननीय हमारे केनी साहब जो इसके अध्यक्ष हैं, इनके साथ पूरी टीम हम सब मिलके यहाँ मना रहे हैं। मैं फिर एक बार अपने सारे जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं को अपनी तरफ से और भारतीय जनता पार्टी के इस अवसर पर
शुभकामनाएं देता हूं।